सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। मन्ने वो बात समझ में ना आ रही जक्की, हैं? यो सब मैं ही लोहारी ने जाके क्यों बताऊं? क्योंकि भाभी खुद ऐसा चाहे कि जब वो राजवीर रॉय के कमरे में जावे तब मैं जाके बुआ जी ने बता दूं कि घर की सारी औरतों ने उनको खाना बनाने में मदद की। वो तो मैं जानती हूँ, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि यो सब बातें तू खुद क्यों नहीं जाके बता देता लोहारी ने? असल में मन्ने अपने आप पे भरोसा नहीं दादी, बुआ जी ने देखते ही ना मारा हाथ पैर फूलने लग जाते, कहीं अगर उन्होंने मारा यो झूठ पकड़ लिया ना तो हमारी जिंदगी तो खराब करेगी करेगी पर भाभी की यो योजना भी खराब कर देगी। मैं भी कहती हूँ कि यो सब बातें लोहारी ने बताने की जरूरत ना से, जरा सोच, पर एन मौके पे राजवीर ने कुछ भी याद ना आए तो फिर सिमरन ने लोहारी से कौन बचावेगा? इसी बात की तो फिक्र हो रही है मन्ने दादी। फिक्र हो रही है ना, तो फिर इस बेवकूफी में उसका साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक हो जा, भाभी का यो बनवास खत्म हो जाए। ये क्या सोच रहे हो? जाओ ना जल्दी। लोहारी मन नहीं उसके पैरे पे बिठा कर गई थी, और अब मैं ही जाके उसने कह दूं कि सिमरन ने पूरा खाना खुद ना बनाया, तो फिर सिमरन की गर्दन से पहले मारी गर्दन पे छुरा रख देगी। दादी रुक, मन ने कुछ सोचने दे। ठीक है दादी, पर बात क्या है ना दादी, मन्ने आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है कि आप अपनी गर्दन तो बचा ही लो, तो जाओ जल्दी जा। तू जाओ उधर चुप। लोहारी, मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे अम्मा क्या हुआ? मूड सी गलती होगी तेरे से। सिमरन पे नजर रखने की जो जिम्मेदारी दी थी ना तूने, वो जिम्मेदारी मैं पूरी ना कर सकी। मैंने अभी अपनी बहू ने कहते सुनी है, उन्होंने सिमरन ने खाना बनाने में मदद करी से। मैं तेरे भरोसे पे खरी ना उतर सकी। तू तो वहां पे पैरे पे बैठी थी ना अम्मा, तेरे सामने तेरे देखे बिना उन्होंने सिमरन की मदद करी कैसे? मैं भी ना समझ पा रही, वो कह रही थी सिमरन ने ना राजवीर का वास्ता दिया था, इसीलिए वो ना ना कर सके, इसीलिए रसोई की दीवार के पीछे बैठ के उन्होंने उसकी मदद करी। मारे को तो एक बार भी शक ना हुआ। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बात पे पूरी नहीं उतर सकी। माफ करने लायक काम तो ना तन्ने करिया से ना उस सिमरन ने, बाकी तन्ने तो मैं बाद में देख लूंगी। इस वक्त उस छोरी का दिमाग ठिकाने लगा क्या थी, आज ना छोड़ूंगी उसे। भगवान अरे सिमरन की रक्षा करना। दिन में तो बुआ जी के सामने बहुत स्माइल कर रहे थे, अब तो मेरी स्माइल कहाँ चली गई मिस्टर? चलो मुझे स्माइल करके दिखाओ प्लीज राजवीर, करो ना स्माइल। वैसे भी मैं तुम्हारी नॉटी स्माइल देखने के लिए बिल्कुल तरस गई। स्माइल करो ना राजवीर, प्लीज हंसो, स्माइल करो। सिमरन तेरी ये मजाल। माजी आप इतने गुस्से में हो? मैं तो आपकी इजाजत से इस कमरे में आई हूँ। पर मन ने इजाजत दी थी तेरे काम के लिए, तेरे धोखे के लिए नहीं। धोखा? कैसा धोखा? क्या कह रही है माजी? इतनी भोली ना बन, मैं सब कुछ जान गई हूँ। मन्ने खाना बनाने में घर वालों की मदद ली? नहीं नहीं माजी, ये झूठ से आपने कोई गलत फहमी होगी, मन्ने किसी की मदद ना ली थी। सच से अम्मा ने खुद बताया से मन्ने। पर मैंने तो जग्गी भैया को कहा था बताने के लिए। फिर दादी जी, माय गॉड,
मतलब दादी जी भी मेरी हेल्प कर रही है। पाओ। नहीं नहीं माँ जी, यो गलत से मैंने ऐसा कुछ ना किया है। देख ले मारे लाल, अपनी आंखों से देख ले, इसने ये धोखा ही ना दे रही बल्कि झूठ भी बोला करे। इसीलिए तो मैं तन्ने कहती हूँ इससे दूर रहा कर तू। नहीं नहीं राजवीर, ये झूठ है। खुशियाँ तो बर्दाश्त इनसे नहीं होती है, हमारी। एक तो हमारी को आपसे दूर रखती है और जो थोड़ा बहुत वक्त भी देती है वो भी कोई बहाना बना के छीन लेती है हमारा। चुप कर। देख राजवीर, इसकी बातों में मत आ जाना। जो तेरे कान भर रही इससे अपनी माँ के खिलाफ राह कर रही से तन्ने। गुमराह मैं नहीं, आप कर रही है आप। मेरी यो मजाल हरे सामने जबान खोले। रुक मैं बताती हूँ तन्ने। आखिर में जाकर थोड़ी गड़बड़ हो गई ना। राजवीर तन्ने बचाने के लिए नहीं, मन्ने बचाने के लिए बीच में आया था। अब तो उसने पता ही चल गया कि तू उसकी सबसे बड़ी दुश्मन से। बेटा ने वो खंजर विनो के बाहर फेंक दिया। Finally उसने react किया, and it's a good sign. Slowly but positively, उसकी memory वापस आ रही। But yes, अगर उसे ये लगता है कि तुम danger में हो, तो शायद वो और भी strongly react करता। इसलिए तो मैं परेशान हूँ डॉक्टर। Be positive बेटा। तुम्हारी first priority राजवीर को ठीक करना है। फिलहाल तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है और कैसा नहीं, क्योंकि जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा उसके बाद तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं रहेगी ना। Yes, doctor. I think you're right. आप मुझे बताइए कि आगे क्या करना है। Do one thing. जैसे राजवीर ने तुम्हें सिंगापुर में देखा था उसके साथ वैसे ही रहो, वैसे ही बात करो। वो ओकेजन्स, वो मोमेंट्स जो तुम दोनों के लिए मेमोरेबल हो
उन्हें उसके सामने फिर से क्रिएट करो। इससे उसे उसके पास्ट को याद करने में हेल्प मिलेगी और साथ ही वो तुम्हारी ओर अट्रैक्ट भी होगा। ओके, आई डू समथिंग। ग्रेट, टेक केयर सर। बहुत अंग्रेजी बोल रही है। कैसा ये